ये कैमरा है ना, रिकॉर्डिंग होती है। हाँ आप रिकॉर्ड हो रहे हो कैमरे में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 30 जून सैटरडे। तो बस लास्ट नाइट को बस आके सामान वगैरह सब रख के ऐसे ही और सब चार्जिंग पर छोड़ के सो गया था। और जस्ट अभी हाल उठा हूँ और अभी बजी है सुबह के 5:30 बजी है। 4 बजे उठने का था, बाकी लेट हो गया, बहुत ज़्यादा घेरी नहीं लग गई थी। तो जस्ट अभी उठा हूँ और जितनी भी चीज़ें सब लगी है, चार्जिंग वगैरह पे भी लगी, सब निकाल के सब हमारा अपना जो भी है कंप्लीट करके बाइक के ऊपर फिट करना है पूरा। तो बस अभी फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं गाड़ी पे, अपनी बाइक पे जो है सामान सेट करने फिर निकल जाएंगे। तो मिलते हैं 3 की गिनती पे मिलते हैं। 1, 2, 3 और जो है कंप्लीट हो गए हैं, पूरी तैयारी हो गई है और मैं भी नहा के फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। और बस अब निकलते हैं यहाँ से सामान लेके अपना और अपनी जो है नेक्स्ट राइड कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। फ्रेंड्स अब यहाँ से निकल रहे हैं, होटल से चेकआउट कर लिया है और इस होटल पर चाय वगैरह पीने आए थे सुबह की। अच्छी चाय बनाई, जो ढाबा वगैरह पर नहीं मिलती ऐसी चाय यहाँ पे बनाई है उसने, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। लेट्स राइड। और अब निकल चुके हैं अम्बाला की गलियों से के अंदर से हमें लुधियाना मिलेगा। सबसे पहले लुधियाना से जलंधर होते हुए निकलना है। अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, नाश्ता वगैरह तो रास्ते में कहीं रुक के करेंगे आराम से, बढ़िया। अभी तो चलते हैं कि गूगल बड़ी प्यारी आवाज़ में बोलती, मैडम दाएं मुड़िए 300 मीटर के बाद पूर्व की ओर बढ़िए, बड़ा ही अच्छा लगता है सुन के। तो ये थी कहानी भाई लोग, और निकल चुके हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जम्मू या फिर पटनी टॉप के लिए। अब देखते हैं कहां पर ले जाती है हमारी किस्मत हमको। तो ये रिलायंस के पेट्रोल पंप पे रुक कर अभी जो है टैंक फुल करवा लिया है 900 रुपये का। अभी इस ढाबे पर रुके थे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, चाय वगैरह पी है और अब निकल रहे हैं। बाकी एक प्रॉब्लम ये हो गई है, गाड़ी का मीटर नहीं चल रहा, मीटर केबल नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया, मीटर नहीं चल रहा गाड़ी का। तो अब ये थोड़ा डिसाइड किया है कि पहले अब आने वाला है जलंधर, तो जलंधर में बजाज के सर्विस सेंटर पर इसको दिखाते हैं, मीटर केबल वगैरह ख़राब हो गई तो चेंज हो जाएगी, और उसमें इंजन ऑयल भी चेंज करवाना है तो वो भी करवा लेंगे वहीं के वहीं। और एक बात और, हमने हमारी जो ये बाइक है, हमारी बाइक का नाम रख दिया है आज। सब लोग अपनी हर प्यारी चीज़ का एक नाम रखते हैं, तो हमने भी हमारी जो बाइक है उसका एक नाम रख लिया है। और हमारी बाइक का नाम हमने डिसाइड किया है क्रूज़र, क्योंकि हमारी बाइक जो है क्रूज़र बाइक है, तो हम इसे अब क्रूज़र ही बोलेंगे, क्योंकि बाइक बोलना या मोटरसाइकिल बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो हमने हमारी बाइक का नाम जो डिसाइड किया है क्रूज़र है हमारी ये, और वास्तव में क्रूज़ ही है ये, एक लंबा चौड़ा बहुत भारी क्रूज़ है, इसको राइड करना
रॉयल इनफील्ड के बराबर ही है। सर्विस सेंटर पर जब मैं सर्विसिंग के लिए ले गया था, बोले यार इसमें वज़न कितना हो गया है, तो रॉयल इनफील्ड से भी भारी हो गई। अब क्या करें सर, मॉडिफिकेशन करवाए हैं इसलिए भारी हो तो गई है, अब क्या कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन सर्च करा बजाज का सर्विस सेंटर, तो पहले एक सर्विस सेंटर पे गया जो सबसे पास था, तो वहाँ पे वो काम हो नहीं पाया, उनके पास किलोमीटर केबल नहीं थी। ऐसी भी इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, करीबन एक घंटा बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसमें पूरा यहाँ से वहाँ पूरा भीग गया, मेरे जूते वूते सब भीग गए, यहाँ पे पूरे जूते जूते वगैरह थे सब पूरे जूते भीग गए। फिर एक दूसरा सर्विस सेंटर पे अभी आया हूँ, और बाइक को अभी दी है तो स्पीडोमीटर केबल को चेंज कर रहा है। फिर इसके बाद जब केबल वगैरह चेंज हो जाएगी उसके बाद फिर आस निकलते हैं, और करीबन मेरे 2 से 3 घंटे इस चीज़ में वेस्ट हो गए हैं। तो हो सकता है कि अब आज पटनी टॉप जाना तो बहुत मुश्किल है कि पटनी टॉप पहुँच पाएंगे, हो सकता है तो पठानकोट रुकेंगे या फिर आज उसके आगे या पीछे कहीं देखते हैं कहाँ पे रुक सकते हैं। तो अभी तो यहाँ वेटिंग रूम में बैठे हैं, वेटिंग रूम के अंदर इंतजार कर रहा हूँ, उनका लंच चल रहा है एक्चुअल में सर्विस सेंटर का, तो उसके बाद वो फिर बाइक की स्पीडोमीटर वगैरह केबल उसको रिपेयर करेंगे या चेंज करेंगे या जो भी है। तो क्या कर सकते हैं भाई, बड़ी दिक्कत है। करते हैं वेट, और पूरी जीन्स पूरी गीली हो चुकी है, पूरा अभी गीला हूँ नीचे तक, और जूते शूज़ वगैरह भी गीले, बस ये सब रिपेयर हो जाए, उसके बाद सब चेंज वेंज करके कहीं पे फिर निकलते हैं। बाकी सब शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ऊपर पंखा चल रहा है तो पॉसिबल है कि वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा वॉइस के मामले में। पंखा चल रहा है, पंखा चलाना भी ज़रूरी है, जूते सुखाने के लिए पंखा के नीचे लिए इसलिए बैठा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो फाइनली गाड़ी हो गई है कंप्लीट, और 1500 रुपये का फटका अलग लग गया है बाइक के अंदर। अब यहाँ से निकल रहे हैं बिल विल पे करके। उसके अगले वाला जो व्हील था उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी, तो वो भी जो है कंप्लीट करवाई है अभी, बाकी सब देखते हैं क्या कहानी बन। ओ ये कैमरा है ना, रिकॉर्डिंग होती है, अब आप रिकॉर्ड हो रहे हो कैमरे में। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, अच्छा ये वाला, इस पर मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, इसके ऊपर ऐसा रहता है। तो अगले वीडियो में आप दिखोगे, आप जब भी वीडियो आएगा ये वाला, तो आप नज़र आओगे वीडियो के अंदर बाद में। चलो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अकेले ही हूँ, अकेले जा रहा हूँ, अकेले। इंडियन रोड राइडर, इंडियन मेरे हेलमेट के पीछे भी लिखा है, बाइक के पीछे भी लिखा है। चलो होती मुलाकात, चलो भाई। चलो सर, तो ये आ गए हैं वर्कशॉप से बाहर, और अब यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, अब देखते हैं आगे का जो प्रोग्राम कहाँ तक बनता है। ये रांझा की पेंटिंग लगी थी उस ट्रक के पीछे। By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. और आगे जो ये बाइक पे एक राइडर जा रहे हैं, ये भी कर्नाटक से हैं, सोलो राइड कर रहे हैं, ये भी लद्दाख की। तो अब हम लोग साथ में जम्मू जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग सोच रहे थे पठानकोट रुकने का बाकी, बट अब हम लोग जो है जम्मू जाकर स्टे करेंगे।
और पठानकोट की तरफ बढ़ते हुए इन घाटियों से, और अब पठानकोट नहीं रुकेंगे, अब जम्मू रुकेंगे। तो अब जम्मू में देखते हैं, जम्मू 110 श्रीनगर 409। और देखिए यार सर क्या नज़ारा है यहाँ से, इन पहाड़ों का क्या नज़ारा है, इट्स सो ब्यूटीफुल यार, आई लाइक इट, इट्स सो अमेजिंग, कितने शानदार लग रहा है ये पहाड़ देख के मन खुश हो गया। दिन भर के जितनी भी आज थकान वगैरह थी, जितने भी टेंशन था, सब भूल गया मैं। देखिए सर स्टंट करते हुए आपके इंडियन रोड राइडर जस्ट किडिंग। तो फाइनली हमारी जो राइड स्टार्ट हुई थी अंबाला से, तो अंबाला से लुधियाना, जलंधर, पठानकोट होते हुए जम्मू पर आकर ख़त्म हुई है, और जम्मू पहुंच चुके हैं सेफली। और बीच में जो एक चक्कर हो गया था जलंधर पहुंचने के बाद, जो है जलंधर में बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आ गया था, और बाइक में भी थोड़ी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई माइनर प्रॉब्लम थी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसको रिपेयर कराने के चक्कर में जो है जलंधर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, कम से कम 3 से 4 घंटे वेस्ट हो गए। तो जो डेस्टिनेशन में पहुंचना था पटनी टॉप, तो पटनी टॉप तो नहीं पहुंच पाए, तो फिर एक दूसरा रूट प्लान तैयार हुआ, और हमें मिले रास्ते में हमारे कर्नाटक के एक राइडर फ्रेंड इरफान, ये हैं। और फिर हम लोगों ने जो है पठानकोट से जम्मू तक की राइड यहाँ पर हम लोगों ने साथ में कंप्लीट की, और आके जम्मू में फिर होटल वगैरह सर्च किया, और फिर इस एक होटल मिला, फिर ठीक ठाक ओयो का होटल है, तो वहाँ पर आगे होके और चेक इन वगैरह कर लिया, और खाना वगैरह भी सब खा लिया है, कंप्लीट हो गया है। और बस ये इधर चल रहा है डेटा वेटा का सब काम, ये तामझाम जितना भी जंगल सब यहाँ रखा हुआ है, बाकी सब शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद है। तो कल की जो राइड होगी हमारी स्टार्ट, तो वो हमें जाना है श्रीनगर, श्रीनगर को कल कवर करेंगे। तो यहाँ से श्रीनगर पड़ेगा 250 किलोमीटर समथिंग है, और 7 से 8 घंटे की राइड होगी। तो कल सुबह जल्दी उठ के हम कोशिश करेंगे जाने की, कि हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए, और आगे फिर जो भी कहानी बनती है फिर वो समझेंगे बाकी की। तो आज का वीडियो व्लॉग आपको किसी भी तरीके से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंडियन रोड राइडर, और मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हो, या लिंक आ रही होगी कहीं पर INR लोकेंद्र, तो उस पर भी फॉलो कर लेना, उस पर मैं अपनी इंस्टा स्टोरीज शेयर करता हूँ, तो उसे आपको पता चल जाएगी मैं कहाँ किस जगह पे हूँ। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, हस्ता ला विस्ता, टेक केयर, बी हैप्पी, राइड सेफ, हेलमेट पहनिए, एंड वंदे मातरम।